नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और अभी मैं इस वक्त सिलक्यारा टनल पे मौजूद हूं और दुनिया की वो दूसरे नंबर की सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने की जो घटना आज इतिहास में दर्ज हुई है उस जगह पर मौजूद हूं। और पहली घटना की मैं बात करूं, थाईलैंड में 12 फुटबॉलर कोच से जो फंस गए थे उनको सकुशल निकाला गया था 18 दिन बाद। और आज यहाँ की यदि बात करूँ, देवभूमि उत्तराखंड की बात करूँ, सिलक्यारा टनल में 17 दिन के बाद आज 17वें दिन 41 मजदूर जो 8 राज्यों के हैं उनको सकुशल आज वो बाहर आएंगे, सूर्य भगवान की किरणों के वो दर्शन कर पाएंगे आज। और उसी जगह पर बिल्कुल मौजूद हो और जहाँ से कि चर्चा चल रही थी बराबर, सबसे बड़ी चर्चा का विषय तो ये रहेगा क्या जो कंपनी पहले काम कर रही थी क्या वो काम वही करेगी आगे, और जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं आखिर उनके साथ कोई जिम्मेवार अधिकारी क्यों नहीं रहा उस टाइम, ह्यूम पाइप क्यों नहीं डाले गए। 850 करोड़ का जो ये टनल बन रहा है इसको तो 2022 में बनना था, पेनल्टी पर ये बराबर चल रहा था, क्या आगे पेनल्टी लगाई जाएगी। कंपनी की जो सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्या जांच के विषय ये भी रहेंगे, जांच में क्या निकल के आएगा, ये सरकार फिर कंपनी के साथ लेपापोती करके जांच को भी कहीं गुमराह तो नहीं किया जाएगा। जो खास तौर पर जो टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर हैं वो तो 8 राज्यों के हैं, मजदूर हैं वो तो काम करते हैं, वो पहले भी 12 घंटे में मात्र उनको 15,000 मिलता था, क्या ये भी जांच में आएगा। न तो उनका PFI है, न उनका SI कार्ड है, और ऐसा निकल के आ रहा है ज़्यादातर। और कंपनी क्या इनको कुछ मुआवजा देगी, क्या सरकारें मुआवजा देंगी, ये सिर्फ मीडिया में छाने के लिए लगातार यहाँ पर मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्री की बात करो, सरकारी की बात करो, लगातार VIP मोमेंट शायद इतना ज़्यादा रहा। 20 से ज़्यादा जो एजेंसी है यहाँ पर रही हैं, SDRF, NDRF, पुलिस, आर्मी से लेके तमाम, शायद जितनी गतिविधि जब जब नेताओं का यहाँ पर आना हुआ तब तक मोमेंट दिखाई दिया कि मानो रेस्क्यू पूरा होने वाला है और वो उनको सकुशल बाहर निकाल दिया जाएगा। बहरहाल ये तो आज 17वें दिन हुआ। और यदि मैं देवता की बात करूँ, ये तो देवभूमि है, कल भी आपने एक चमत्कार देखा जो फोटो की मैं बात कर रहा था, अभी भी वो दृश्य सामने नजर आ रहा। और खास तौर पर जो आर्नोल्ड डिक्स यहाँ पर आए थे उनसे भी जब मैंने बात की, जाने का प्रयास कर रहा था, उनके माथे पे तिलक लगा था, पहले दिन उन्होंने पूजा की, तो बहरहाल उन्होंने भी ये बताया कि जब भी वो टनल का काम करते एक गॉड पावर है, इनविजिबल पावर है, दुनिया में काम करती है। और यहाँ पर वो सब देखने को मिला, तंत्र मंत्र यंत्र सारा अप्लाई हुआ, तब जाके आखिरकार इस बौखनाग देवता जो बाई तरफ पहाड़ी है बौखटीबा, इसकी ओर भी लोगों का ध्यान गया, राड़ी की ओर गया। हालांकि ध्यान तो गया था, बहरहाल 3 दिन पहले जो देवता ने बोला था 3 दिन के अंदर सकुशल बाहर निकाल दिए जाएंगे, वो वाणी तो पूरी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी देखने को मिलता है देवभूमि में 20-20 किलो तक जलते अंगार भी देवता खाते हैं, जब प्रकट्य कभी होता है, ऐसे भी कई बार हमारे पास कवरेज हैं। इसके अलावा वो सटीक में बातें करते। बहरहाल अभी की गतिविधि की बात करूँ, मानो अब कुछ ठहरा हुआ रहा, ये दुनिया के इतिहास में ये दूसरी घटना होगी जब ये इतिहास में दर्ज हो जाएगी। क्योंकि 2018 में 12 फुटबॉलर कोच सहित जो फंस गए थे उनको 18 दिन बाद निकाला गया था और इन मजदूरों को 41वें दिन निकाला जा रहा, सुरंग के अंदर फंसने वाली दुनिया की एक घटना, वो भी देवभूमि उत्तराखंड जहां पर चारों धाम पड़ते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ। और इस जिले की बात करूं तो ये टनल भी गंगा यमुना को जोड़ने के लिए बनाया गया था, गंगा यमुना घाटी है, गंगोत्री यमुनोत्री जोड़ने के लिए इसलिए बनाया गया क्योंकि जो दाई तरफ जो रोड जाती है वो 27 किलोमीटर कम हो जाएगा, इसीलिए इसको बनाया गया था। लेकिन देवताओं पे छेड़ाखानी करना, उस मूर्ति को हटा देना, पहले उसको मालिक को बता दिया गया था और उनका इस ओर ध्यान न देना, थोड़ा उपेक्षा कर देना, ये सब चीज़ें शामिल रही हैं, इसीलिए वो 41 मजदूर शायद सुरक्षित भी रहे। ये बहरहाल सभी लोग आज मानने को तैयार हैं, खुद मुख्यमंत्री जब आप प्रातःकाल यहाँ पहुँचे थे उन्होंने भी यहाँ पर प्रण किया है जो भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। ये बाईं तरफ जहाँ पर झंडियाँ लगी हुई हैं इस जगह पर मंदिर बनेगा। मंदिर बनने की वजह ये हो जाती है, यदि मैं इस बारे में विस्तृत बात करूं, जिस तरीके से आप राजधानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, दिल्ली बॉम्बई में, तो नोएडा में जाने के लिए आपको 4 रुपये टैक्स देना होता है, इसी तरीके से इन देवताओं के प्रवेश में जाने के लिए आपको टैक्स देना होता है, इनको सुपारी भेंट सिर पर चढ़ाना होता है। और जब यात्री यहाँ से यात्रा करेंगे तो देवता का मंदिर काफ़ी दूर है, उसको कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा, इसलिए देवता ने बोला था, बौखनाग देवता ने जो यहाँ का इष्ट देव है, कि मेरा मंदिर सामने बनाया जाएगा दोनों तरफ, ताकि लोग जब आए जाएं तो यहाँ पर नतमस्तक करके जाएं। और यही कारण है कि इतने दिन सारे संयंत्रों का इस्तेमाल हुआ वो देखने को मिला, और अब जब मंदिर बनेगा
तो बहरहाल जो भी यहाँ से जाएंगे, जिस तरह गंगा घाटी की बात करूँ वहाँ पर भी इसी तरीके के एक पावरफुल कचड़ू नाम का देवता है, उसका इतिहास भी यही जाना जाता है बरसों से। उसको भी जब गंगा घाटी में आप जाएंगे तो उसको फल प्रसाद फ्रूट ये सब चढ़ाना होता है। और इस तरफ की बात करूँ यमुना घाटी में तो भौंकनाग देवता का खासी ध्यान रखना होता है, स्थानीय लोग सब जानते हैं। और जो आर्नोल्ड डिक्स जिस पर सभी का फोकस था, उनसे जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने यहाँ तक कि इस नाग जो टीबा है ये पहाड़ी यहाँ भी उन्होंने दौरा किया बताया जा रहा, और वो बहुत डिवोटी हैं। और आखिरकार प्रातःकाल जब अभी रेस्क्यू संपन्न हुआ वो सामने नजर आ रहा। बहरहाल दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इसमें देखने को मिला कि देसी भाषा में मैनुअल जिसकी बात करूँ, वो लोग ही आखिरकार उन मजदूरों तक पहले पहुँचने वाले वो श्रमिक हैं जिसको रेट माइनर बोला जा रहा, यानी कुतर करके काट के देसी छंडे से उन्होंने किया। ऑर्गर मशीन भी फेल हो गई, वो ब्लेड अभी भी सामने मुझे नज़र आ रही, वो तक ऑर्गर काम नहीं किया, करोड़ों रुपए की मशीन, लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल दिहाड़ी पत्थर फोड़ने वाला जो इस देश का लेबर है, जो मजदूर है, उसी ने आज 6 से और जो 8 मीटर का बाकी रह गया था उसको बारी बारी से 5 मजदूरों ने वो वहाँ पर जो जाने के लिए बनाया गया था वो खुदाई की, और तब जाके आज आखिर एंडिंग इन्हीं मजदूरों के नाम पर ये चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इनकी आखिरी मदद मिली है, यानी मंत्र यंत्र और तंत्र जाकर के सभी यहाँ पर अप्लाई हुए और लगातार जद्दोजहद जारी थी। रेस्क्यू वाली टीम एकदम सतत और अथक प्रयास 17 दिन आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा। अभी भी आर्नोल्ड डिक्स जो टनल के विशेषज्ञ जाने जाते हैं, वो खुद देवता के पास अभी बैठे हुए थे, वो बड़े एकाग्रचित भाव से शायद इस चीज़ को बहुत करीबी से भी जानते हैं। देखिए आज सिल्कियारा टनल में 17 दिन तक चले रेस्क्यू, और दुनिया के दूसरे नंबर की टनल में फंसे हुए मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।